मजबूती से काम कर रहे हैं। 2027 में अपनी सरकार बनाएंगे। अभी भी हमने बहुत सारी 250 से अधिक सीटें विधानसभा में, अगर हम देखें लोकसभा के चुनाव को, तो जीती हैं। बाकी ऑफर है, जिसको लेना है वो ले ले, अगर उनका वहाँ काम नहीं बन रहा तो हमारे कई विधायक उन्होंने ले लिए हैं। हम सबका सम्मान करना जानते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीते कुछ दिनों से घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें केशव प्रसाद मौर्य की, तो वो लगातार जो है दिल्ली में बैठक पे बैठक कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो राजधानी लखनऊ में मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो संगठन और सरकार का जो तालमेल है वो बैठ नहीं पा रहा है। दिल्ली में जेपी नड्डा से केशव मौर्य मुलाकात करते हैं, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के जो है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो है वो जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं। तो कहीं ना कहीं यूपी की जो सियासत है वो गरमाई हुई है। उसके बाद जो है जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद जो है एक्स पर केशव मौर्य जो है ट्वीट करते हैं कि संगठन से बड़ा सरकार नहीं है और एक एक कार्यकर्ता का दर्द उनका दर्द है। उसके बाद केशव मौर्य जो है प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। यहाँ पर जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जो है वो सभी मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं। 10 जो है विधानसभा पे उपचुनाव होने हैं, एक एक सीट के लिए तीन तीन मंत्रियों को उन्होंने मैदान में उतारा है। तो कहीं ना कहीं लोकसभा में मिली करारी हार के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है अंतर कलह जो है वो काफ़ी तेज हो गया है। तो इन्हीं सब को देखते हुए आज अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है और बगैर नाम लिए उन्होंने कहा है कि 100 विधायक लाओ और सरकार बनाओ। इस वक्त हमारी मौजूदगी है समाजवादी पार्टी कार्यालय पर, यहाँ पर बैठक भी चल रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार जो है भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। उनके जो अंदर कलह में जो संगठन और सरकार के बीच जो अंतर कलह चल रही है उसको लेकर लगातार जो है वो निशाना साधते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो संगठन और सरकार की, तो कुछ बड़े चैनल्स ने ये भी चलाया है कि सरकार में जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है बीजेपी में बीते आगामी कुछ दिनों में कुछ हलचल तेज होने वाली है। माननीय योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य में अनबन की खबरें सामने आ रही हैं। और फिलहाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है कि 100 विधायक लाओ और सरकार बनाओ, इसको लेकर यूपी की सियासत में हलचल काफी तेज हो गई है। ऑफर दिया है बगैर नाम लिए 100 विधायकों वाला, किस तरह देखेंगे? हम मजबूती से काम कर रहे हैं। 2027 में अपनी सरकार बनाएंगे। अभी भी हमने बहुत सारी 250 से अधिक सीटें विधानसभा में, अगर हम देखें लोकसभा के चुनाव को, तो जीती हैं। बाकी ऑफर है, जिसको लेना है वो ले ले, अगर उनका वहाँ काम नहीं बन रहा तो हमारे कई विधायक उन्होंने ले लिए हैं। हम सबका सम्मान करना जानते हैं। ये ऑफर खुला तौर पर किसके लिए था? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे, और जो इस ऑफर के बारे में समझ रहा होगा वो बहतर बताएगा। हम लोग संगठन का काम, सरकार के बीच जो खींचतनी चल रही है, केशव मौर्य दिल्ली का लगातार दौरा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठक पर बैठक कर रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? काम किया नहीं आपने, और नियुक्तियाँ सब रद्द हो गई, पुलिस भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ, 2016 से सारी नियुक्तियां जो हैं वो गायब हो गई, अभी जेई के अभ्यर्थी बैठे थे उनका रिजल्ट नहीं आया है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हैं। इस पर काम करिए, बाकी जो मुद्दे आप उठाते हैं उससे जनता जो है इंटरेस्टेड नहीं है, आप जनता की बात करिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। नेपाल के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।